मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फील गुड कराने के लिए लोगों को पट्टी पढ़ाई जा रही है। सीएम के फील गुड कराने के चक्कर में दौरे से पहले लोगों को सिखाते दिखे अधिकारी। सब अच्छा है कहने को सिखलाते अधिकारियों का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। सरकारी इंतजामों पर सीएम की वाहवाही के लिए अधिकारियों की करतूत कैमरे में कैद हुई है। दरअसल बिहार में कोरोना को लेकर इंतजाम का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कई जिलों में वर्चुअल टूर का कार्यक्रम रखा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिलों में किए जा रहे इंतजाम को देखना चाहते थे और लोगों से सीधे बात कर जमीनी हकीकत से रूबरू होना चाहते थे। हाजीपुर में जिस सामुदायिक किचन का नीतीश जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लेने के पहले बैठे थे, सुबह से ही वहां जबरदस्त इंतजाम देखा गया। बैनर, पोस्टर, साफ सफाई से लेकर हर तरह के इंतजाम चकाचक किए गए। पूरा प्रशासनिक अमला सुबह से ही किचन केंद्र पर जमा दिखाई दिया। आखिर मुख्यमंत्री जो इंतजामों को देखने वाले थे। सामुदायिक किचन में गरीब और मजदूर लोगों के लिए भी सरकारी इंतजाम पर खाने की व्यवस्था की गई थी, जिसे बिहार सरकार ने शुरू की है। मकसद है कि कोई भूखा ना रहे और लोगों को सहूलियत हो। लेकिन मुख्यमंत्री के वर्चुअल दौरे से ठीक पहले हाजीपुर के सामुदायिक किचन केंद्र पर एक तस्वीर कैमरे में कैद हुई, जो यह बताता है कि सरकार को फील गुड कराने के लिए स्थानीय स्तर पर अधिकारी किस तरह से मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं और सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल किचन में मिलने वाले खाने या किसी अन्य बात की शिकायत न हो, इसके लिए अधिकारी खाना खाने वाले लोगों को समझाते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वो सीएम साहब को क्या कहना है और कैसे कहना है वो सब सिखाते हुए दिखाई दिए। सरकार के इंतजाम को जमीनी स्तर पर पूरा कराने की जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है। कई मौकों पर इंतजाम बेहतर भी होते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई कमी रह गई तो सरकार में बैठे मंत्री या मुख्यमंत्री जनता से संवाद जानकर ही उसकी हकीकत जान पाते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री से बात कराने से पहले जिस तरह से अधिकारियों द्वारा पट्टी पढ़ाई गई, उसे कहीं न कहीं सब कुछ ठीक तो नहीं माना जा सकता। दो टाइम पड़ेगा।